सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को साकार करने के लिए कन्नौज जिले में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में जिला टॉपर छात्रा अंशी को एक दिन का डीएम व हाई स्कूल की जिला टॉपर चांदनी को एक दिन का पुलिस अधीक्षक बनाया गया। जिले के प्रशासनिक पद पर आसीन छात्राओं ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मीडिया से बात करते हुए डीएम बनी छात्रा ने बताया कि आज बेटियों के लिए गौरव का दिन है। एक दिन के लिए प्रशासनिक अफसर बनने पर उसने कहा कि उसकी प्राथमिकता महिला सुरक्षा को लेकर है। वहीं पुलिस अधीक्षक बनी चांदनी ने बताया कि उसको भी आज गर्व महसूस हो रहा है। हर माता पिता के लिए एक संदेश है कि बेटियों से नफरत न करें, उनसे प्यार करें, क्योंकि बेटियां भी नाम रोशन करती हैं। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कहा कि एक महिला सशक्तिकरण व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के लिए बेटियों को एक दिन के लिए सांकेतिक प्रशासनिक पद पर बैठाया गया है। उन लोगों के लिए यह संदेश है जो बेटियों को बोझ समझते हैं, अब बेटियां भी जिला कलेक्टर बन सकती हैं। कन्नौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। चांदनी, आज आपने ध्वजारोहण किया है, क्या बनाया गया, आज आपको कैसा लग रहा है? अच्छा मौका था मेरे लिए और बहुत ही ध्वजारोहण करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि ये मुझे मौका मिला यहाँ डीएम ऑफिस में आने का। और मैं चाहती हूँ आगे और ऐसे ही हमारे देश की बेटियों का उत्साह बढ़ता रहे इससे और वो आगे बढ़ती रहे। आज आप कौन सा पद ग्रहण किया है आपने एक दिन के लिए, कौन सा पद पे हैं आप?